Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So, today's video is about the piecemeal distribution of cash statement of excess capital. And we are going to see the important adjustments related to current account, uh, advertisement, suspense account, the advertisement, expenditure account, any kind of fictitious assets, drawings, all those points will be covered in today's video. So, if you are new to the channel, लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी सो so दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और ये जो एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज है वो आप एक भी वीडियो मिस ना करें चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल Uh, so this is question number one uh, for today's session, and uh, we are going to solve now the current account adjustment, the cap, the adjustment related to advertisement suspense account, uh, and also we will be calculating the profit sharing ratio. So you can check the question properly. First of all, we will read the question, then we can see prepare a statement of excess capital. We are having A's capital over here. We are having A's capital sixty thousand. बी का कैपिटल है यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड और सी का कैपिटल दिया हुआ है थर्टी थाउजेंड करंट अकाउंट्स भी आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं करंट अकाउंट्स इस क्वेश्चन का नया पॉइंट सो करंट अकाउंट क्रेडिट एज वैल्यू इज टेन थाउजेंड करंट अकाउंट डेबिट ऑल्सो गिवन दैट इज एट थाउजेंड एंड टू थाउजेंड तो वॉट टू डू विद दैट बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ध्यान से समझना बिकॉज ये आज का जो क्वेश्चन है इसमें सारी चीजें इंक्लूड है जैसे नंबर वन वी हैव जनरल रिजर्व नंबर सेकंड वी हैव द बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट एंड नंबर थर्ड वी आर आल्सो हैविंग ड्राॅइंग्स विद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट विच इज वन ऑफ द फिफ्टीशिज एसेट कॉल्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे तो सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में अवेलेबल है इससे डिफिकल्ट कुछ भी पॉइंट्स नहीं होंगे इसलिए एक्सेस कैपिटल अगर आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपके सारे पॉइंट्स सारे डाउट्स इसमें से क्लियर हो जाएंगे तो दैट इज वाई आव ब्रॉड अ क्वेश्चन विच इंक्लूड्स ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द हेडिंग एस तो आप भी अपने पास हेडिंग लिख लेना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल ठीक है कॉलम्स क्या थे कॉलम्स थे हमारे पर्टिकुलर्स एंड थ्री पार्टनर्स वी आर हैविंग ए बी एंड सी नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इफ यू सी द प्रोफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू यू तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो किस तरीके से दी है ए बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का दिया है वन बाई टू बी का दिया है वन बाई थ्री एंड सी का दिया है वन बाई सिक्स तो वॉट इज द प्रॉब्लम इन दिस जब भी आपको ऐसे रेशियो आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें तो मैं आपको एकदम ईजी तरीके से बताता हूँ देखो हमें क्या करना है हमको एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम के जगह पे एक सिंपल कैलकुलेशन है हमें क्या करना है एलसीएम अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इन तीनों में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है सिक्स का दैट इज सी का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है हम क्या करेंगे बाकी के जो डिनोमिनेटर है उनको भी सिक्स करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऐसे वैल्यू से करेंगे कि वो भी सिक्स हो जाए तो देखो किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ ध्यान से so try to understand understand what I am doing if you understand this it will be very easy वन बाई टू सेकेंड का रेशियो क्या, क्या है हमारा वन by थ्री और third का रेशियो क्या है हमारा वन by सिक्स तो so, अभी हम ये डिनोमिनेटर को सिक्स करेंगे तो so, टू को अगर हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स होगा तो so, टू को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपको न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे भी थ्री से यहां पे भी थ्री भी से तो थ्री वन जा थ्री अप ऑन थ्री टू जा सिक्स ओके सो सेकेंड अब बी का जो है बी का वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से तो यहां पे भी टू आएगा तो टू वन जा टू और थ्री टू सा कितना होगा सिक्स सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा सिक्स को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे तो भी चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई सिक्स तो आपका रेशो क्या बनेगा थ्री इज टू टू इज टू वन तो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सो यस स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द प्रीवियस क्वेश्चंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको डायरेक्टली दिया हुआ था बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ा अलग तरीके से दिया था तो वी हैव कन्वर्टेड दैट प्रॉपरली एंड द रेशो नाउ इज थ्री इज टू टू इज टू वन बिकॉज जब तक ये रेशो ही सही नहीं आएगा आगे के कैलकुलेशन आप किस तरीके से राइट करोगे इसीलिए आगे के कैलकुलेशन समझने से पहले रेशो समझना बहुत ज़रूरी है इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने जो सीखा था उसमें हमने रेशोज डायरेक्टली हमें पी एस आर दिया हुआ रहता था तो दैट वॉज अ वेरी ईजी कैलकुलेशन बट सिंस इन दिस क्वेश्चन द रेशो वॉज नॉट गिवन अकॉर्डिंगली एंड सिंस द रेशो वॉज नॉट गिवन तो दिस विल बी द कैलकुलेशन विच वी हैव मेड सो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा सिंपल कैलकुलेशन है जो भी डिनोमिनेटर है सबसे बड़ा बाकी के डिनोमिनेटर्स को भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे या उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं सिमिलर कैलकुलेशन हम न्यूमरेटर में भी करेंगे मतलब न्यूमरेटर मतलब टॉप वाली फिगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली फिगर तो उस तरीके से हमें कैलकुलेशन करने हैं ठीक है थीके? अभी सबसे पहला स्टेप ध्यान से सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है हमें लिखना है कैपिटल

देखो करंट अकाउंट्स के लिए यहां पे ध्यान से इंपॉर्टेंट एक करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस है एक करंट अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस है तो हमें क्या करना है यहां पे लिखना है यहां पे हमें लिखना है करंट अकाउंट्स ठीक है करंट अकाउंट्स के लिए बेस जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो हमें ऐड करना है जो भी डेबिट बैलेंस है वो हमें लेस करना है तो आई एम राइटिंग ओवर इन टेन थाउजेंड फिर एट थाउजेंड को हम ब्रैकेट लिखेंगे डेबिट बैलेंस है है तो माइनस करना क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करना है ध्यान से याद रखना इस पॉइंट को टू थाउजेंड आई एम पुटिंग इन ब्रैकेट फाइन सो आई होप कि इतना आपको क्लियर रहेगा दिस इज द न्यू पॉइंट इन द क्वेश्चन टूडे सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव नॉट टेकन करंट अकाउंट इन अवर एडजस्टमेंट तो करंट अकाउंट के लिए क्या करना है क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमें ऐड करना है डेबिट बैलेंस होगा तो हमें लेस करना है फाइन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो चलो यहां पे लिखेंगे लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सिक्स थाउजेंड है तो हमें क्या करना है सिक्स थाउजेंड को रेशो में बांटना है ए बी और सी सो so, क्या है रेशो थ्री इज टू टू इज टू वन सो आई एम गिविंग इट टू मिनट्स जस्ट टू कैलकुलेट चलो सब लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आई एम सीइंग द कमेंट्स अकॉर्डिंगली कि कितना आंसर आता है मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं आपके साथ साथ तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज वन ऑफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो भी हम इसमें से लेस करने वाले हैं तो सिक्स थाउजेंड है मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं आप भी कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सो so, इसका आंसर आ रहा है थ्री थाउजेंड ये यू आर राइट टू थाउजेंड एंड वन थाउजेंड इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में पता चले कि इसको हम माइनस करने वाले हैं ओके फाइन आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ फिर ड्रॉइंग्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लेस करेंगे ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड एंड टू थाउजेंड आई होप कि इतना कैलकुलेशन आप सबको क्लियर है अगर कैलकुलेशन क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस yes करें सो वी हैव लर्न अप टिल नाउ कैपिटल अकाउंट हमने लिया है करंट अकाउंट भी आपके क्वेश्चन में था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आपके क्वेश्चन में था ड्रॉइंगस भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है वो है जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व तो यही क्वेश्चन में मैं और एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन में नहीं है फिर भी हम एक पॉइंट ऐड करके लिखेंगे जनरल रिजर्व की अमाउंट ले लेना ट्वेंटी वन थाउजेंड ताकि प्रॉपरली डिवाइड हो जाए उस बेसिस पे मैंने लिया है सो so, अभी हम जनरल रिजर्व भी ले, ले लेंगे ताकि वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एड जनरल रिजर्व क्या है रेशो थ्री इज टू टू इज टू वन सो वॉट इज द वैल्यू ट्वेंटी वन थाउजेंड द वैल्यू ट्वेंटी वन थाउजेंड को थ्री इज टू टू इज टू वन में कम डिवाइड करना है सो आई एम गिविंग यू वन मिनट जस्ट कैलकुलेट दिस ट्वेंटी वन थाउजेंड को हमें प्रपोर्शनेटली बांटना है रेशो है थ्री इज टू टू इज टू वन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम तो ट्वेंटी वन थाउजेंड को आप किससे डिवाइड करोगे थ्री प्लस टू इज फाइव फाइव प्लस वन इज सिक्स तो सिक्स से डिवाइड करना थ्री से मल्टीप्लाई करना मैं भी कैलकुलेट करता हूं आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है सो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट सो इसका सही आंसर आता है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर ए सेवन थाउजेंड फॉर बी एंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर सी सो दैट इज द्वाइंट विच वी हैॉल्व ठीक है काफी कैलकुलेटिव है ध्यान से समझना अगर आपको ये चीज समझ में आ गई एक बार तो दैट विल भी वेरी इजी फॉर यू सो सारे पॉइंट मैंने यहां पर लिए सो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारे फर्स्ट के लिए था सिमिलर कैल्कुलेशन हमने कैलकुलेट करके ढूंढ लिया है सो दैट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेशन विच वी सोल्व सो द बिकम्स एडजस्टेड कैपिटल्स सो वी हैव गॉट द देंसर एज एडजस्टेड कैपिटल नाउ एडजस्टेड कैपिटल सबको प्लस करना और कैलकुलेट करना जो ब्रैकेट में है उसको माइनस करना और जो विदाउट ब्रैकेट है उसको आप प्लस करना तो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट यू ऑल्सो कैलकुलेट अकॉर्डिंगली विद मी एंड एवरीबडी विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट सभी का आंसर हम एक दूसरे से टैली कर सके कि ये जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है तो फर्स्ट का आंसर मिल रहा है हमें सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके यस यू आर ऑल आर राइट सेकेंड का आंसर मिल रहा है मुझे फोर्टी फोर थाउजेंड एंड थर्ड का आंसर मिल रहा है ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था हमारा एडजस्टेड कैपिटल अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल सही है तो आगे के कैल्कुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही बेस पे हमको आगे के कैलकुलेशन करने हैं अभी हम क्या करेंगे नाव वी विल राइट पी एस आर वॉट इज द प्री पी एस आर थ्री इज टू टू इज टू वन सो पी एस आर इज वॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो पी एस आर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अगर हम एडजस्टेड वैल्यू को पी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वैल्यूज सो सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड को थ्री से डिवाइड करना फोर्टी फोर थाउजेंड को टू से डिवाइड करना ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड को वन से डिवाइड करना तो अकॉर्डिंगली येस एवरीबडी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वॉट इज द आंसर तो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पहली बार हमें पॉइंट में आंसर मिल रहा है डेसिमल्स में मिल रहा है तो किस तरीके से लिखेंगे इसको ध्यान से समझना इसका आंसर आता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स आ रहा है तो मैंने यहाँ पे राउंड फिगर लिया है फिर फोर्टी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आंसर विल बी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन करेंगे तो आंसर विल बी ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सो दैट वॉज द कैलकुलेशन सो वी गॉट यूनिट वैल्यूज नॉर्मली यूनिट वैल्यूज आर नॉट कैलकुलेटेड एज पर द पॉइंट विच वी गेट द आंसर इन पॉइंट बट यूजली वी आर गेटिंग राउंड फिगर ओनली बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग अ डेसिमल तो डेसिमल आया तो so कुछ जरने की जरूरत नहीं है आपका आंसर सही है अभी इन तीन वैल्यूज में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है तो सबसे छोटा वैल्यू है तो अभी मैं क्या करूंगा बेस लेने वाला हूं टेकिंग ध्यान से कैपिटल एस बेस सो हमने किसका कैपिटल बेस लिया जिसका भी कैपिटल स्मॉलेस्ट है उसका कैपिटल बेस लिया तो ट्वेंटी टू थाउजेंड मैंने बेस लिया अब आपको मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी टू थाउजेंड को थ्री से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी टू थाउजेंड को टू से मल्टीप्लाई करना है और ट्वेंटी टू थाउजेंड को वन से मल्टीप्लाई करना है ध्यान से कैलकुलेट करना यस एवरीबडी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की क्या क्या आंसर आएंगे ए बी सी के लिए तो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ ट्वेंटी टू थाउजेंड इंटू थ्री करोगे तो आंसर आता है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड इंटू टू करोगे तो आंसर आता है फोर्टी फोर थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड इंटू वन करोगे तो आंसर आता है ट्वेंटी टू थाउजेंड ओके

ध्यान से सॉल्व करना इसको सो so, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें आंसर मिलेगा एक्सेस कैपिटल सो हाउ टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल तो एक्सेस कैपिटल के लिए सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड में से सिक्सटी सिक्स थाउजेंड माइनस करना है फोर्टी फोर में से फोर्टी फोर माइनस करना है ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड में से ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड माइनस करना है तो इसके लिए ध्यान से इसके लिए कैलकुलेशन आप करेंगे दो मिनट वेट कर रहा हूं आपके लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या है इसके लिए ओके चलो आगे बढ़े फिर कैलकुलेशन ध्यान से सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड में से अगर हम सिक्सटी सिक्स को माइनस करेंगे तो आंसर मिलता है उजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर में से फोर्टी फोर माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा नील ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड में से ट्वेंटी टू थाउजेंड को माइनस करेंगे तो आंसर मिल रहा है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर फॉर बोथ द पार्टनर्स ए एंड सी बी का तो आंसर नील हो चुका है तो एक बार हमारा आंसर नील हो चुका हम अभी फिर से सेम स्टेप को रिपीट करेंगे पी एस आर द रेशो वॉस थ्री तो यहां लिखूंगा वैल्यू सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन यहां पर भी पॉइंट में आ रहा है तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड को अगर आप थ्री से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा टू वन डबल सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आता है तो टू वन डबल सिक्स ले लो या टू वन सिक्स सेवन लेना सो अकॉर्डिंगली और अगर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड को वन से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके फाइन आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ रहेगा अगर सबको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस yes करे ओके 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 फाइन दैट मीन दिस मच क्लियर टू यू अब टू वन सिक्स सेवन और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है टू वन सिक्स सेवन अब हम इसको बेस लेने वाले हैं तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर टेकिंग एस कैपिटल एस बेस सो अभी हम जिसका भी बेस लेंगे टू वन सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री थ्री करोगे तो राउंड फिगर नहीं आएगा लेकिन हमको राउंड फिगर लिखना है ताकि एक का नील हो जाए तो टू वन सिक्स सेवन मतलब क्या है टू वन सिक्स सेवन पॉइंट आ रहा था तो मैंने सेवन कर दिया तो जो भी वैल्यू को हम बेस लेते हैं उसका आंसर सेम आना चाहिए तो पॉइंट में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना टू वन सिक्स सिक्स इंटू थ्री करो या टू वन सिक्स सेवन इंटू थ्री करो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड से एक दो रुपए ज्यादा आता है हम सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिखेंगे और टू वन सिक्स सेवन इंटू वन करेंगे यहाँ पे आंसर आएगा टू वन ओके सो दैट द कैलकुलेशन आई होप कि आपको इतना क्लियर है सो दिस वॉज द कैलकुलेशन वी हैव डन आगे बढ़ते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है फाइनल आंसर मिलता है एक्स्ट्रा एक्सेस कैपिटल सो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से अगर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करोगे तो आएगा यहां पे तो ऑलरेडी नहीं है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से टू वन सिक्स को माइनस करोगे तो आंसर आएगा फोर से क्लोज करेंगे सो द कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन बोथ द पॉइंट वेर अवेलेबल एक जनरल रिजर्व नहीं था वो भी मैंने एड करवा दिया ताकि आपको पिछले जो भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो सके एंड आई हैव ऑल्सो सोल्ड करंट अकाउंट इन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो सोल्ड दी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट विद दैट ड्राइंग्स भी दिया होगा तो क्या करना है इतने मैग्जिम पॉइंट्स एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगे इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स ताकि आपका एक्सेस कैपिटल का हर एक प्रॉ पॉइंट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाए उस बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन लिया था तो आइए अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे ऑर्डर ऑफ पेमेंट लास्ट का आंसर था फोर ट्रिपल थ्री ठीक है ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखते हैंट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट सी हाउ आई एम राइटिंग दिस अकॉर्डिंगली ठीक है चलो थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट चलो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आ गया नंबर वन क्या था हमारा आंसर पे रुपीस फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री टू लास्ट में किसको आंसर मिला था सी के कॉलम में टू टू सी एस एक्स्ट्रा एक्सेस कैपिटल ओके वेरी गुड दिस इज द कैलकुलेशन नंबर टू पे रूपीस देखो फोर थ्री 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 के ऊपर दो एंसर है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू वन सिक्स सेवन तो पे रुपीस हमको यहां लिखना है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू वन सिक्स सेवन टू एंड सी इन द रेशो ऑफ थ्री एस टू वन सो जो ए का रेशो है वो लिखना है और थर्ड क्या था हमारा पे टू ऑल इन द रेशो ऑफ three is to two is to one दैट्स it सो so दिस was द क्वेश्चन which वी हैव solved today आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे हमारे एक्सेस कैपिटल का जो भी variety था वो हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं अगर आप ये एक क्वेश्चन भी देखो तो आई हैव ट्राई टू कवर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स इन दिस करंट अकाउंट आल्सो हैव कवर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आल्सो हैव कवर्ड ड्राइंग्स आल्सो हैव कवर्ड एंड व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी डन व्हेन द एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स आर अवेलेबल ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस लाइक के बटन को प्रेस करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाते रहता हूं टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर